Now I request the Honorable Governor, His Excellency, Shri Keshari Nath Tripathi ji, to address the gathering of this August, today's function, the foundation laying stone ceremony of the Global Enlightenment Centre. Brahma Kumari ki Pramukh, Rajyogini Dadi Janki ji, Brahma Kumari Munni ji, Brahma Kumari Rajini ji, Brahma Kumari Gopal ji, Brahma Kumari Punyavathi Behan ji, Brahma Kumari Kanan ji, Manch par aasin Sri Hari Prasad Kanoria ji, Sri Sushil Mohta ji, Srimati Seema Mohta ji, Srimati Aruna Dhanuka ji, aur is sabhagar mein upasthit सभी देवियों और सज्जनों, ब्रह्म कुमारी इसकी मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, क्षेत्रीय संचालिका आदरणीय ब्रह्म कुमारी कानन बहन जी और मंच पर और मंच के सामने आसीन तमाम देवियों और सज्जनों, सभी को यह अनुभव हो रहा होगा कि यह अनूठा संगम है। कार्यक्रम यद्यपि आज के उद्घाटन का था, लेकिन उद्घाटन के साथ साथ जब तक जीवन दर्शन न प्राप्त हो, जब तक कुछ ग्रहण करने योग्य न प्राप्त हो, तब तक सारे कार्यक्रम निरर्थक हो जाते हैं। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। 40 वर्ष से अधिक का समय हुआ जब मुझे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में जाने का अवसर हुआ। वो समय दादी प्रकाशमणि जी उसकी मुखिया हुआ करती थी और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उन्हें मैंने जब देखा तो एक बड़ी दिव्य अनुभूति हुई। उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला था और वो आशीर्वाद केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति तो माध्यम होता है, व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति तक जब आशीर्वाद पहुंचता है तो मनुष्य की अंतरात्मा जाग जाती है सद्कर्म के लिए, जाग जाती है विश्व के कल्याण के लिए, जाग जाती है धर्म के काम के लिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत हर्ष का विषय है कि ब्रह्मा कुमारी जहाँ अपना एक आध्यात्मिक रिट्रीट केंद्र बना रहे हैं और उसकी आधारशिला के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी एक शांत पवित्र प्रसन्न चित्त वातावरण की अनुभूति होती है यहाँ कर। संस्था की आदर्शपूर्ण सकारात्मक कार्यशैली की चर्चा प्रायः समाज करता है। यहाँ आकर मैंने स्वयं अनुभूत किया कि इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एक अद्भुत शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा के साथ हम जगत के कल्याण के लिए कुछ कर सकें ये भावना मन के अंदर उत्पन्न होती है। इस समय संस्था का कुशल संचालन दादी जानकी जी कर रही हैं। हमने अभी उनका संभाषण सुना और उसमें उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया वो वास्तव में जीवन में अनुकरण करने योग्य है। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि अपनी 103 वर्ष की आयु में भी वह चलने फिरने बोलने सुनने पढ़ने लिखने और ज्ञान देने में पूर्णतया सक्षम है। हम आज देखें तो सारी दुनिया के अंदर संघर्ष हो रहा है, अनेक कारणों से हो रहा है। कहीं क्षेत्र है, कहीं धर्म है, कहीं संप्रदाय है, कहीं जाति है, कहीं देशों का स्वार्थ है, अनेक कारण है उसके संघर्ष के। और इस संघर्ष के बाद मन विचलित होता है, क्या करें ये प्रश्न व्यक्ति के मन में कौंध करके उठता है, हताशा के स्वर निकलते हैं मुँह से और तब फिर एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वो रोशनी दिखाई पड़ती है अध्यात्म की, वो रोशनी दिखाई पड़ती है जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। वो रोशनी दिखाई पड़ती है जब हृदय के अंदर ईश्वर से मिलने की चाह उत्पन्न होती है और तब लगता है कि वह मिलन अगर हो जाएगा तो हमें शांति मिलेगी,
विश्व को शांति मिलेगी, एक ऐसा एक अनुभव निश्चित रूप से हम सबको होता है। और इसलिए विश्व में जहाँ मनुष्य शांति और सुख के लिए अथक प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है, और जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी संस्थाएं भी कई मतभेदों से ग्रस्त हैं और संघर्ष को टालने में असमर्थ हैं, वहाँ विश्व के 137 देशों में व्याप्त ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं ने पवित्रता, शांति तथा अपनेपन का एक स्वाभाविक वातावरण हमें दिखाई पड़ता है। मुझे बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद जब यह संस्था पाकिस्तान से स्थानांतरित होकर भारत आई तो उस समय इसके मात्र 300 सदस्य थे, परंतु आज इस संस्था के न केवल सदस्यों की संख्या 10 लाख से ऊपर प्राप्त हो गई है, पार कर गई है, अपितु तो इसकी 8000 से अधिक शाखाएं विश्व के अनेक देशों में अपने ज्ञान का विस्तार कर रही हैं। ये वास्तव में बहुत क्रेडिट की, बहुत श्रेय की बात है। महत्व का विषय तो यह भी है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था आध्यात्मिक होने के नाते केवल आध्यात्मिक सेवाएं ही नहीं देती, बल्कि यह हर प्रकार के क्षेत्र में मानवीय सेवाएं भी देती है। और यही कारण है कि आज यदि स्वच्छता अभियान की बात हो, या पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण पर विश्वव्यापी चिंता हो, महिलाओं के अधिकारों तथा सतीत्व की रक्षा का विषय हो, बेटी बचाओ एवं बाल कुपोषण तथा स्वास्थ्य की चिंता हो, इन सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं और विषयों पर यह संस्था सदा आगे बढ़कर कार्य करती है। और यही कारण इसके विस्तार के है, इसकी भावना इसीलिए लोगों के मन के अंदर हृदयंगमय होती जा रही है। अभी कुछ समय पूर्व संस्था ने अपने 80वें वार्षिकोत्सव पर 80 लाख वृक्षारोपण करने का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसका श्रेय न केवल संस्था को बल्कि संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को जाता है। उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ अपने इस दायित्व का, जो संस्था ने उन्हें दिया, उसका निर्वहन किया। अभी हाल में संस्था ने कृषि के क्षेत्र में यौगिक ऑर्गेनिक फार्मिंग का विचार देकर कृषि में एक क्रियात्मक क्रांति लाई है। रसायन खाद के स्थान पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग एवं राजयोग द्वारा पेड़ पौधों के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाकर ब्रह्मा कुमारी ने भूमि की उपजाऊ शक्ति, पैदावार में उन्नति तथा रसायन से होने वाले नुकसान से बचाने का प्रशंसनीय कार्य किया है। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी ने देश के 16 विश्वविद्यालयों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके देश के विद्यालयों, कॉलेजों में शिक्षा के साथ मूल्य तथा आध्यात्मिकता को जोड़कर मानव जीवन में स्वार्थ एवं स्पर्धा भाव के स्थान पर आदर, सम्मान और सेवा की भावनाओं को प्राथमिकता देने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे यह भी बताया गया, और जैसा आपको भी अभी सूचना प्राप्त हुई, कि ग्लोबल एनलाइटनमेंट सेंटर, जिसका शिलान्यास सब आज हुआ है, इसमें स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी, सेमिनार हॉल्स, मेडिटेशन हॉल, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हीलिंग गार्डन, सोलर सिस्टम फॉर लाइटिंग, हीटिंग एंड कुकिंग इत्यादि सुविधाओं के निर्माण की योजना है। यह बहुत बड़ी योजना है, और लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद और आप सबकी कर्मठता से मुझे विश्वास है कि यह योजना निश्चित ही पूर्ण होगी और सबके सामने आएगी। इसमें बनाई जाने वाली आर्ट गैलरी भारत के आध्यात्मिक उत्थान एवं पतन के संपूर्ण रहस्य को दर्शाएगी, जबकि सेमिनार हॉल का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों के प्रोफेशनल्स के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण तथा सेमिनार आदि की व्यवस्था करना होगा। यहाँ पर आने वाले मेहमानों के आवास, निवास, खान पान तथा मनोरंजन की भी पूरी सुविधा रहेगी। मुझे यह जान करके भी बहुत खुशी हुई है कि कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड पर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर, जो संस्था का पूर्वचलीय मुख्यालय भी है, यह वर्ष 2018 उसका गोल्डन जुबली वर्ष है। सन 1968 में प्रारंभ हुए इस सेंटर के कनेक्शन में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में कई शाखाएं हैं, जिनमें इस क्षेत्र के हजारों बहन भाई आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ राजयोग की साधना का भी नियमित अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए इस समय ब्रह्मा कुमारी से प्रेरणा पाकर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति, क्षेत्र, लिंग एवं धर्म के भेद को भुलाकर मानवीय चेतना को जागृत करते हुए मानव समाज के हित में सोचना होगा और कार्य करना होगा। विज्ञान एवं आध्यात्म को मिलकर संतुलित रूप प्रदान कर मानव हित में सकारात्मक
तथा सृजनात्मक कार्य करने की आज आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का मतभेद, विरोध या नकारात्मक सोच समाज, देश व भविष्य के हित में नहीं है। इस भावना को मिटाना होगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए आशा करता हूँ कि हम सब समर्पित भाव से अपने जीवन में मूल्यों तथा आध्यात्मिकता को अपनाकर व्यक्ति, परिवार, समाज एवं देश के चहुमुखी विकास में पूरा सहयोग देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।